होली का त्यौहार हो तो दही बड़ा तो बनता ही है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम नरम, सॉफ्ट और स्पंजी दही बड़े की रेसिपी। साथ ही आपके साथ शेयर करूँगी दही बड़े को बिल्कुल मार्केट जैसा स्वाद देने का एक स्पेशल टिप। हे एवरीवन, वेलकम टू फूडी भाभी चैनल। चलिए आज बनाते हैं सुपर टेस्टी दही बड़े। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बने हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप इस रेसिपी से दही बड़े बनाते हैं तो आपके दही बड़े हमेशा सुपर सॉफ्ट बनेंगे और वो टेस्ट में भी बिल्कुल मार्केट जैसे लगेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सुपर सॉफ्ट और स्पंजी दही बड़े की रेसिपी को। तो दही बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप उड़द दाल। आप यहाँ पर चाहें तो मूंग दाल से भी बड़े बना सकते हैं, या फिर 1/2 कप उड़द दाल और 1/2 कप मूंग दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल उड़द की दाल ले ली है। अब मैं इस दाल को 2 से 3 बार वॉश कर लूँगी ताकि इसमें से जो भी कोई इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर निकल जाएँ। दाल को मैंने अच्छे से 2-3 बार रनिंग वाटर में वॉश कर लिया है। अब मैंने इसको एक बाउल में ऐड कर लिया है। अब हम दाल में पानी ऐड कर देंगे और इसे आपको लगभग 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। मैंने लगभग इसे 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। 6 घंटे के बाद आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है और ये काफ़ी अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। अब हम इस दाल को एक जार में ऐड कर लेंगे। मैंने सारी दाल को जार में ऐड कर लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही पीस लिया था और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं ये कितना क्रीमी लग रही है। सेम इसी टेक्सचर से आपको दाल को पीस लेना है। आपको दाल को पीसते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा पानी ऐड ना करें, वरना आपके वड़े अच्छे नहीं बनेंगे। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है। अब इस बनाए हुए दाल के पेस्ट को मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। अब हमें इस दाल को हाथों से फेंटना है। आप चाहें तो इसके लिए बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। लगातार 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको हाथों की हेल्प से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर काफ़ी लाइट और फ्लफी होने लगा है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून हींग। आप चाहें तो इसमें कटी हुई बारीक हरी मिर्च और कसा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ जीरा और हींग ही डाला है। उसके बाद मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए और फेंट लिया था। फेंटते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें दाल को एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। 3 से 4 मिनट फेंटने के बाद मैंने इसे पानी में ऐड करके देखा है और आप देख सकते हैं अच्छे से फ्लोंट हो रहा है। इसका मतलब ये वड़े बनाने के लिए तैयार है। मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया था और उसमें इसके छोटे छोटे वड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। सेम इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग वड़े बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कप दाल ही यूज़ की थी। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने वड़ों का साइज़ नॉर्मल ही रखा है। आप चाहें तो वड़ों का साइज़ थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। अब मैं हल्के हाथों से एक स्पून की हेल्प से इन्हें पलट दूंगी। आप देख सकते हैं ये वड़े कितने अच्छे से फूल गए हैं। लगभग 1 मिनट के बाद ही ये कलर चेंज करना शुरू कर देते हैं। हमें इनको कोई गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं करना है। हल्का सा लाइट कलर आते ही हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं वड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। सेम इसी तरह से हमें सारे वड़े तलकर तैयार कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर फ्लेम को लो ही रखा हुआ था। इसे हाई फ्लेम पर नहीं तलना है, वरना वड़े अंदर से कच्चे रह सकते हैं। यहाँ पर मैंने वड़ों को भिगोने के लिए पहले से ही पानी गर्म करके रख लिया है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं अंदर से कितना जालीदार बने हैं। अब मैं इनको भिगो कर रख दूंगी लगभग 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तब तक मैं तैयार कर लूँगी वड़ों के साथ सर्व करने के लिए दही। उसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम दही ले लिया है।
ये 400 ग्राम का पैकेट था तो मैंने इसको हाफ ही यूज़ किया है। अब हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है लगभग 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी हो जाए। अगर आप इस तरह से दही प्रिपेयर करते हैं तो आपके दही वड़ों में भी बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट ही आएगा। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है लगभग 1.5 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी। दही में चीनी ऐड कर लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा टेस्ट देते हैं। चीनी ऐड करने के बाद भी मैंने इसे लगभग 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। दही हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी आती है दही वड़ों को सर्व करने की, तो उसके लिए मैंने वड़ों का पानी निचोड़ लिया था और उनको एक प्लेट में रख लिया है। अब मैं इस पर ऐड कर दूंगी फेंटे हुए दही को, और आप देख सकते हैं दही वड़े हमारे कितने अच्छे से फूल गए हैं। दही को ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल चटनी। मैंने ये दही वड़ों के लिए इमली और खजूर की चटनी का यूज़ किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है ग्रीन चटनी, ये हरे धनिया और पुदीने की चटनी है। इस चटनी के लिए मैंने सेम क्वांटिटी में पुदीने और हरे धनिया का यूज़ किया है। मैंने हरी चटनी से अच्छे से गार्निश कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया है उबले हुए आलू का। मार्केट में हमें दही वड़ों के साथ अक्सर पापड़ी या फिर उबले हुए आलू सर्व किए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक आलू को उबाल लिया था और उसे टुकड़ों में काट कर यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर बूंदी या फिर पापड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। आलू ऐड करने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिए हैं कुछ अनार के दाने। और आप देख सकते हैं हमारी चाट कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। अब मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही मैं इस पर डाल दूंगी भुने हुए जीरे का पाउडर। आप चाहें तो इस पर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे दही वड़े की चाट कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। ये दही वड़े लुक वाइज जितने टेस्टी दिख रहे हैं, ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो इस होली पर आप भी ट्राई कीजिए इस सुपर सॉफ्ट दही वड़े की रेसिपी को, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पर मैं आपको दही वड़े का टेक्सचर दिखाती हूँ, ये कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं ये स्पून लगाते ही बिल्कुल टूट गए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में अपने फीडबैक शेयर कीजिए। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्जॉय द फेस्टिवल ऑफ कलर विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड टेस्टी फूड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।